बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सिटी 5 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ स्मीना ठाकर। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे बनारस खान यूसुफ जई की। शहीद कांस्टेबल इंतजामुल हक की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सियालकोट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO मोहम्मद हसन इकबाल, डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद, आला फौजियों पुलिस अफसरान, वकला और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद के जैसे खाकी को पूरे एजाज के साथ पुलिस लाइन चलाया गया। रास्ते में शहरियों ने फर्ज की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहीद जवान का शायान शान इस्तकबाल किया। शहर के अहम चौराहों और शहरों पर शहीद के काफिले पर भरपूर गुलपाशी की गई, जबकि पुलिस के अफसरान और जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। DPO, DCO, फौजी आला अफसरान ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबान दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। पुलिस DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने शहीद इंतजामुल हक के भाई और वालिद से मुलाकात की और उनकी ढारस बंधाई। पुलिस के बहादुर सपूत इंतजामुल हक की कुर्बानी रायगा नहीं जाने दी जाएगी। DPO वाकये में मुलविस मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे के दार तक पहुंचाया जाएगा। पूरी कौम शहदा और उनकी फैमिलीज की कर्जदार है। शहीद के वसा का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जैसे खाकी तदफीन के लिए आबाई गांव दीदोवाली रवाना कर दिया गया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।